हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलीशियस फूड रेसिपीज एंड हियर इज वैशाली करपे। Today I will share with you a very tasty yummy recipe which is gulab jam. So friends, traditionally gulab jam birthday party, shaadi ya fir koi khushi ke occasion mein banaye jate hain. So friends, aaj hum gulab jam banayenge khoye aur chashni ke saath. So friends, let's get started. How to do it? Let's go. So guys, गुलाब जाम बनाने के लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए, तो चलते सामग्री के ओर। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ कुछ सामग्री लिए हैं गुलाब जाम बनाने के लिए। सो गाइस, गुलाब जाम बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 1 kg खोया, देन हमने लिए है 1.5 kg शक्कर एंड 5 to 6 कार्डमम, देन हमने लिया है 250 ग्राम आरारोट पाउडर एंड वाटर एज रिक्वायर्ड चाशनी बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, चलते हैं रेसिपी की ओर। सो नाउ, आप देख सकते हैं खोया दरदरा है, खोए में चंक्स है, तो हमने यहाँ मिक्सिंग जार लिया है। तो मिक्सिंग जार में हम खोया डालेंगे और अच्छे से ग्राइंड करेंगे। इस स्टेप से खोया अच्छा सा बाइंडिंग होगा, अच्छा सा चिकना होगा और टाइम भी कम लगेगा। सो मैंने खोया ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है, तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं हमने यहाँ ग्राइंड करके लिया है खोए को और अच्छे से चिकना करके लिया है, और इसी तरह से चाहिए, आप देख सकते हैं, और ये परफेक्ट है। सो हम ये ग्राइंडिंग खोए को बाउल में निकाल लेते हैं। सो हमें लेना है एक बाउल और ये सारे खोए को हम ग्राइंड करके बाउल में निकाल लेंगे। सो हमने यहाँ बाउल लिया है और एक ग्राइंड किया हुआ खोया को हम बाउल में डालेंगे। सो मैं डाल रही हूँ। सो गाइस, हमने 1 kg खोए को अच्छे से ग्राइंड करके लिया है, अच्छा सा चिकना करके लिया है, तो चलते हैं अगले प्रोसेस पे। सो गाइस, हमने यहाँ खोया ग्राइंडिंग करके लिया है बाउल में, देन हम ऐड करेंगे आरारूट पाउडर जो हमने 250 ग्राम लिया है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, एक साथ सारा नहीं डालना है, और अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। सो मैंने थोड़ा अरारोट डाल दिया है, अच्छे से मिक्स किया है। अरारोट पाउडर ये हर्बल पाउडर है और ये एरो रूट से रेडी होता है, बनता है, तो ये फास्ट के लिए भी चलता है, इसलिए हमने अरारोट पाउडर से आपके साथ गुलाब जाम की रेसिपी शेयर की है गाइस। अगर आपको ये पाउडर नहीं डालना है तो इंस्टेड ऑफ दिस आप रिफाइंड फ्लावर और खाने का सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको नवरात्रि में या फास्ट के लिए खाना है तो आप अरारोट पाउडर डाल सकते हैं। सो हमने अगेन अरारोट पाउडर डाल दिया और अगेन मिक्स किया है अच्छे से डो को। सो हमने ये सारा पाउडर डाल दिया है लास्ट में 250 ग्राम, और अगेन अच्छा सा डो बनाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। देन हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अरारोट को अच्छे से मिक्स करना है खोए में, एक अच्छा सा बाइंडिंग होना चाहिए, आपको भी ऐसे ही करना है। ओके, सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये डो हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, एंड देन हम थोड़ा सा खोया हाथ में लेकर चेक करेंगे कि गुलाब जाम बनता है या नहीं, तो ये अच्छा सा शेप होल्ड कराएं। सो इट्स डन। सो चलते हैं अगली प्रोसेस पे। सो गाइस, नाउ हम चलते हैं गुलाब जाम बनाने की ओर। सो गाइस, गुलाब जाम बनाने के लिए डो डो रेडी है। सो हम गुलाब जाम बनाने के प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस,
हमने यहाँ डो लिया है एक हाथ में और बॉल का शेप देंगे, ये शेप होल्ड कराएं। देन हम दोनों हाथों के हथौली में अच्छे से घुमाएंगे, अच्छे से चिकना करेंगे, अच्छे से फिनिशिंग देंगे। गुलाब जामुन को क्रैक्स नहीं चाहिए और आप देख सकते हैं आपको ऐसे ही करना है गाइस। यस, और ये परफेक्ट है। देन हम इसे प्लेट में रखेंगे। देन अगेन डो लेंगे, देन अगेन बॉल बनाएंगे और दोनों हाथों में अच्छे से चिकना करेंगे। दोनों हाथों के हथेली में ही चिकना करना है इस तरह से। चिकना करने से गुलाब जाम हमारे अच्छे से फ्राई होंगे, एक जैसा कलर आएगा। यस, ये है सेकंड। देन ये हम प्लेट में रखते हैं। देन अगेन डो लेंगे और अच्छे से बॉल करेंगे। और ये थर्ड। इस तरह से हम सारे गुलाब जाम बना के रेडी करते हैं। सो गाइस, चलते हैं अगले प्रोसेस पे। खोए के डो से हमने गुलाब जाम बना के लिए है। नाउ चलते हैं डीप फ्राई करने के प्रोसेस पे। सो हमने गैस पे पैन रख दिया है, पैन में ऑयल है और गैस को ऑन किया है। नाउ हम खोए का सैंपल डाल के चेक करते हैं ऑयल हमारा गर्म है या नहीं। सो आप देख सकते हैं ऑयल गर्म है। सो गाइस, वन बाय वन करके गुलाब जाम हम ऑयल में डालेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे डालना है इस तरह से। और नाउ फर्स्ट स्टेप इज, जब आप गुलाब जाम हॉट ऑयल में डालेंगे तो फ्लेम को रखना है लो टू मीडियम। अगर आप हाई फ्लेम पे गुलाब जाम डीप फ्राई करेंगे तो बाहर से तो गोल्डन ब्राउन बनेंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। सो गाइस, सेकंड टिप इज, गुलाब जाम को आपको एज इट इज़ नहीं रहने देना है। 1 to 2 मिनट या फिर गुलाब जाम को पैचेस पड़ेंगे तो आपको गुलाब जाम को स्टर ही करते रहना है। चारों ओर से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने देना है इस तरह से। आपको ज़रा सा भी वेट नहीं करना है कि आपने गुलाब जाम डाल दिए और थोड़ी देर आप रुक जाएंगे, ऐसा नहीं करना है कि चारों ओर से वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो सके। तो आप देख सकते हैं ये गुलाब जाम कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, कोई भी पैचेस नहीं है, अच्छे से एक कलर आया है उसका चारों ओर और ये परफेक्ट है। ऐसे ही डीप फ्राई करना है गाइस। सो ये रेडी है और नाउ हम प्लेट में निकालते हैं। सो मैंने ये प्लेट में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर है और गुलाब जाम ऐसे ही चाहिए। सो हम ये सारे गुलाब जाम प्लेट में निकाल लेते हैं। सो हमने प्लेट में निकाल लिया है। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। सो गाइस, हम सारे गुलाब जाम को अच्छे से डीप फ्राई करके लेंगे। एंड नाउ आप देख सकते हैं मैंने सारे गुलाब जाम को अच्छे से डीप फ्राई करके लिया है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे दिखते हैं और अच्छे सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। सो गाइस, चलते हैं अगले प्रोसेस पे। सो गाइस, गुलाब जाम बनाने के लिए हमें चाशनी चाहिए और चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ एक पैन लिया है। सो पैन में हम डालेंगे शक्कर, जो हमने 1.5 kg ली है वो हम डालेंगे पैन में। सो मैंने डाल दी है। देन हम ऐड करेंगे वाटर। वाटर हमें लेना है 2.5 कप। ये है 1 कप। देन अगेन डालेंगे 2nd कप, वो भी हमने डाल दिया। देन अगेन हम डालेंगे 1/2 कप। हमने 2.5 कप पानी ऐड कर दिया है इस तरह से। देन हम गैस को लो टू मीडियम रखेंगे और इसी फ्लेम पे हमें चाशनी बनानी है। देन हम ऐड करेंगे 5 to 6 कार्डमम जो हमने लिए थे। आपको अगर पाउडर चाहिए तो आप कार्डमम पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या फिर सैफरन भी ऐड कर सकते हैं। देन हम लैडल से बॉटम से अच्छे से स्टर करेंगे, शक्कर को अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से और अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो थोड़ा वेट करेंगे, बीच बीच में स्टर करना है लैडल से। एक दो मिनट के बाद हम लैडल से बीच बीच में ऐसे स्टर करेंगे इस तरह से। देन अगेन अच्छे से बॉईल आने देंगे। सो गाइस,
चाशनी को अच्छे से बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है और अच्छे से बॉईल आ चुका है। सो गाइस, सेकंड टिप इज, अगर आपको चाशनी की इम्प्योरिटी निकालनी है तो आपको 1-2 चम्मच मिल्क ऐड करना होगा, और जैसे ही इम्प्योरिटी सरफेस पे आएगी चाशनी के ऊपर तो वो आपको निकालनी है या फिर आपको चाशनी को छान के लेना है। सो फ्रेंड्स, टिप नंबर 3, चाशनी ठंडा होने के बाद अगेन क्रिस्टल्स ना बने, इसलिए हमें डालना है 1/4 TSP नींबू का जूस। इसकी वजह से चाशनी ऐसे ही रहेगी, लिक्विड फॉर्म में रहेगी। सो गाइस, नाउ हम चेक करते हैं चाशनी हमारी रेडी है क्या नहीं। सो हमने बाउल लिया है, बाउल में थोड़ा सा चाशनी निकालेंगे और ठंडा होने के बाद चेक करेंगे चाशनी रेडी है या नहीं। सो थंब और इंडेक्स फिंगर में हम थोड़ी सी चाशनी लेंगे और चेक करेंगे, और ये एक तार जैसी दिखनी चाहिए, परफेक्ट एक तार नहीं रहनी चाहिए, ये एक तार जैसी दिखती है और ये परफेक्ट है। सो अवर चाशनी इज रेडी। फ्लेम को करते हैं ऑफ, देन चलते हैं अगली प्रोसेस पे। सो गाइस, चाशनी हमारी गरम है और गरम चाशनी में ही हमें गुलाब जाम डालने हैं। सो हमने ये गुलाब जाम लिए हैं और ये स्लोली हम इसमें ऐड करेंगे वन बाय वन करके इस तरह से। यस, तो हम सारे गुलाब जाम डालेंगे गरम चाशनी में ताकि गुलाब जाम चाशनी एब्जॉर्ब कर सके और अच्छे से सॉफ्ट हो सके, अच्छे से फूल सके। सो फ्रेंड, सारे गुलाब जाम डालने के बाद हम गुलाब जाम को ओवरनाइट सेट होने के लिए रख देते हैं। सो आप देख सकते हैं आफ्टर ओवरनाइट गुलाब जाम अच्छे से फूल चुके हैं, चाशनी को अच्छे से ऑब्जर्व किया है और अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। नाउ चलते हैं प्लेटिंग की ओर। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ प्लेट ली है और प्लेट में करेंगे गुलाब जाम को असेंबल। सो हम वन बाय वन करके गुलाब जाम को असेंबल करेंगे इस तरह से। यस, और आप देख सकते हैं हमने गुलाब जाम को असेंबल किया है और नाउ उस पर पोरिंग की हुई चाशनी। गुलाब जाम अच्छे से शाइन दिखते हैं, ब्राइट दिखते हैं, कलरफुल दिखते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आपको टेक्सचर दिखाते हैं। सो आप देख सकते हैं गुलाब जाम कितने सॉफ्ट हैं, जूसी हैं, अंदर से अच्छे से पके हैं और ये परफेक्ट रेसिपी है। सो गाइस, हमने आपके साथ ट्रिक्स और टेक्निक के साथ ये रेसिपी शेयर की है। सो यू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई रेसिपी और वीडियो, यू लीव अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकॉन सो यू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड सी यू अगेन विद सच अ वंडरफुल रेसिपी इन दिस चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल देन, बाय बाय।